मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वी आर स्टडी बीएससी पार्ट फर्स्ट पेपर फर्स्ट एनिमल डाइवर्सिटी प्रोटोजोआ टू एनिलिडा यूनिट सेकंड में आज हम चौथे दिन का अध्ययन करेंगे। चौथे दिन के अध्ययन में हम पढ़ने जा रहे हैं स्टडी ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन इन प्रोटोजोआ में ऑस्मो रेगुलेशन का अध्ययन। तो हम देखते हैं ऑस्मो रेगुलेशन किसे कहेंगे। परासरण नियमन क्रिया अर्थात अंतःपराशरण एंडोऑस्मोसिस द्वारा अंदर प्रवेश करने वाले जल की अतिरिक्त मात्रा को बाहर त्यागने की क्रिया परासरण नियमन कहलाती है। ठीक है ना। तो परासरण नियमन ऑस्मो रेगुलेशन एक बार फिर बता दूं मैं आपको कि जो शरीर के अंदर जल प्रवेश करता है उस प्रवेशी जल की अतिरिक्त मात्रा को वापस बाहर भी त्यागा जाता है। तो जल की अतिरिक्त मात्रा को बाहर त्यागने की क्रिया परासरण नियमन कहलाती है। ये कार्य प्रोटोजोआ में किसके द्वारा होता है। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स के द्वारा, कॉन्ट्रेक्टाइल एपर्चर के द्वारा, संकुचनशील उपकरण के द्वारा। युगलिना की तनु तक जल के लिए पारगम्य होती है। युगलिना जो कि प्रोटोजोआ है उसकी पेलिकल जल के लिए पारगम्य है, इसलिए युगलिना के शरीर में अंतःपराशरण द्वारा जल निरंतर प्रवेश करता रहता है। शरीर के अंदर होने वाले जीव द्रव्य और बाहर के स्वच्छ जल की सांद्रता में अंतर होने के कारण अंतःपराशरण की क्रिया होती है। अच्छा, अंतःपराशरण की क्रिया कब होती है। जब बाहर के जल और शरीर के अंदर के जल की सांद्रता में अंतर हो, डिफरेंस हो, ऐसी परिस्थिति में पराशरण की क्रिया होती है। युगलिना विरिडिस के कॉन्ट्रेक्टाइल एपरेचर में एक बड़ी रिक्तिका के चारों ओर अनेक छोटी छोटी सहायक रिक्तिकाएँ होती है। कोशिका द्रव्य जल की अतिरिक्त मात्रा को इन छोटी छोटी रिक्तिकाओं में स्रावित करता रहता है और छोटी रिक्तिकाएँ अपने अंदर इकट्ठे हुए जल को बड़ी रिक्तिका में उंडेलती रहती है। ये भी संभव हो सकता है कि पहले सहायक रिक्तिकाएँ बनती हो जो बढ़कर पूरी हो जाने पर परस्पर मिलकर बड़ी रिक्तिका बन जाती है। अंत में बड़ी रिक्तिका इस जल को आश्रय में त्याग कर खाली हो जाती है। ये संपूर्ण प्रक्रिया बड़ी संकुचनशील रिक्तिका के अनुशीतलन डायस्टोल अर्थात आयतन में वृद्धि और सिस्टोल अर्थात आयतन में कमी होने से होती है। अनुशीतलन यानी डायस्टोल होने पर संकुचनशील रिक्तिका जल से भर जाती। दो परिस्थितियां हैं संकुचनशील रिक्तिका के लिए, डायस्टोल और सिस्टोल। डायस्टोल की कंडीशन में संकुचनशील रिक्तिका जल से भर जाती और सिस्टोल की कंडीशन में ये अपने अंदर भरे जल के आश्रय में उंडेलकर खाली हो जाती है। ये बात ध्यान रखना, डायस्टोल की कंडीशन में कॉन्ट्रेक्टाइल एपर्चर, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जल से भरी जाती है और सिस्टोल की स्थिति में, प्रकुंचन की स्थिति में ये अपने अंदर जल भरे जल को दूसरे आश्रय में उंडेलकर खाली हो जाती है। अतः ऐसा माना जाता है कि संकुचनशील रिक्तिका की आश्रय से लगी पार्श्व भित्ति अस्थायी होती और सिस्टोल के समय ये फट जाती खाली होने के लिए, जिससे कॉन्ट्रेक्टाइल
एपर्चर आशय की गुहिका में खुल जाती है। इस प्रकार सिस्टोल प्रावस्था का अंत होते होते कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का समस्त जल आशय में निकल आता है। अमोनिया जो अपचयन क्रिया कैटाबोलिज्म का एक नाइट्रोजनी उत्सर्जी उत्पाद है, शरीर की सामान्य सतह से विसरण के द्वारा बाहर निकाला जाता है। उत्सर्जी पदार्थ भी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के द्वारा बाहर निकाले जा सकते हैं। ऐसा ख्याल है कि कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम के चारों ओर होने वाला कोशिका द्रव्य का सघन भाग परासरण नियंत्रण तथा उत्सर्जन दोनों कार्य करता है। ये सघन भाग ही रिक्तिका के अवकाश में जल और उत्सर्जी उत्पादों का स्त्राव करता है। अब हम आते हैं परासरण नियमन पैरामीशियम की तरफ। पैरामीशियम में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल द्वारा परासरण नियमन होता है। शरीर के बाहर के जल में शरीर के कोशिका द्रव्य की अपेक्षा जल की सांद्रता कम होती है। बाहर के जल और शरीर के अंदर के कोशिका द्रव्य के जल की सांद्रता की हम तुलना करें तो कोशिका द्रव्य की सांद्रता बाहरी जल की अपेक्षा ज़्यादा होती है एक सामान्य वाटर के लिए, ठीक है। तो ऐसी परिस्थिति में एंडोस्मोसिस की क्रिया लगातार होती रहती है जिससे शरीर में जल प्रवेश करता है। अंतर्गत भोजन के साथ भी जल की थोड़ी थोड़ी मात्रा अंदर पहुंचती रहती है। जल की इस अधिक मात्रा को कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की सहायता से बाहर निकाला जाता है, जो पेशी तंतुकों मायोफाइब्रिल्स की संकोचनशीलता की सहायता से नियमित मध्यांतरों पर सिस्टोल और डायस्टोल करती रहती है। कोशिका द्रव्य में से जल एंडोप्लाज्मिक जालिका की कुछ नलिकाओं से स्रावित किया जाता है, जहाँ से ये नेफ्रिडियल ट्यूबुल्स एवं फीडर कैनाल्स में प्रवाहित होकर वृक्क की नालों की तुम्बिकाओं या अरे नालों में इकट्ठा हो जाता है। ये तुम्बिकाएँ अभिसारित होकर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में विसर्जित हो जाती है। जब रिक्तिका बढ़कर अपना अधिकतम परिमाण प्राप्त कर लेती है तो कॉन्ट्रैक्टाइल होकर पृष्ठ तल पर तनु त्वक में स्थित एक छिद्र द्वारा बाहर विसर्जित हो जाती है। अग्र कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की अपेक्षा रिक्तिका का स्पंदन तीव्र होता है, क्योंकि कोशिका ग्रसनी द्वारा पश्च भाग में ही जल की अधिक मात्रा छोड़ी जाती है। अब हम पैरामीशियम की बात ही ओर्टिसेला में परासरण नियमन को समझते हैं। ओर्टिसेला में श्वसन एवं उत्सर्जन की क्रियाएं विसरण द्वारा पैरामीशियम की भांति होती है। इसके एंडोप्लाज्म के अंदर भिंब और मुख गुहिका के मध्य केवल ध्यान से देखिए, ओर्टिसेला में एंडोप्लाज्म के अंदर भिंब और मुख गुहिका डिस्क और बकल कैविटी के मध्य केवल एक बड़ी स्पंदनशील और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होती है। ये वैक्यूल एक स्थायी छिद्र द्वारा मुख गुहिका में खुलती है, जो डायस्टोल एंड सिस्टोल प्रावस्थाओं को प्रकट करती हुई लयबद्ध रूप से स्पंदन करती रहती है। डायस्टोल प्रावस्था में एंडोप्लाज्म में होने वाली जल की अतिरिक्त मात्रा इसमें स्रावित कर दी जाती है और सिस्टोल में इसमें भरा जल मुख गुहिका से बाहर निकाल दिया जाता है। ये ओर्टिसेला में होता है, ठीक है। तो आज हमने ऑस्मो रेगुलेशन पढ़ा है, जिसमें जनरल इसमें तीन चार उदाहरण के द्वारा बताए गए। ओर्टिसेला का भी पढ़ा, इससे पहले पैरामीशियम का पढ़ा, इससे पहले अपन ने युगलिना का पढ़ा, लेकिन तीन चार चीज़ें कॉमन हैं, तुम उदाहरण बाद में दे सकते हो।
पराश्रण, पराश्रण में अंतर बाह्य माध्यम की सांद्रता की तुलना के बनिस्पत, जिधर सांद्रता ज़्यादा होती है उधर जल का प्रवाह होता है। अब चूंकि अपने तीन उदाहरण पढ़े, इन उदाहरणों में जीव द्रव्य की सांद्रता बाहरी जल की अपेक्षा ज़्यादा है, इस वजह से बाहरी जल इसमें अंदर प्रवेश करता रहता है। अब इस प्रवेशी जल की मात्रा को नियमित करने के लिए इसको और अतिरिक्त प्रवेशित मात्रा को वापस बाहर करने के लिए जिस प्रक्रिया से होकर हम गुजरते हैं, जिस प्रक्रिया को हमें अपनाना पड़ता है, उसे हम ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। इस ऑस्मो रेगुलेशन की प्रक्रिया में जो कि हम प्रोटोजोआ के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, तो प्रोटोजोआ में ऑस्मो रेगुलेशन कॉन्ट्रैक्टाइल एपर्चर संकुचनशील उपकरण के द्वारा नियंत्रित होता है। अब ये संकुचनशील उपकरण है, कॉन्ट्रैक्टाइल एपर्चर है, कॉन्ट्रैक्टाइल इसके अंतर्गत किसी के अंदर छोटी, किसी के अंदर बड़ी, एक और किसी के अंदर एक बड़ी, बहुत सारी छोटी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होती है, एक पूरा सिस्टम होता है ना। इस सिस्टम में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल सिस्टम में किसी में एक, किसी में दो, किसी में एक बड़ी ज़्यादा छोटी, ऐसे इस सिस्टम में जल प्रवेश करता है, तो उस जल को डायस्टोल के माध्यम से एक बड़ी रिक्तिका में लिया जाता है या एक ऐसे जगह पे स्टोर किया जाता है जिसको अगले ही पल सिस्टोल के द्वारा बाहर निकलने वाले रास्ते पे फेंक दिया जाता है। इस प्रकार तीन चीज़ें हैं, ऑस्मोसिस, पराश्रण, पराश्रण के द्वारा एंडोऑस्मोसिस के द्वारा जल का अंदर प्रवेश, और इस प्रवेशी जल को कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के द्वारा नियंत्रित करना, और डायस्टोल और सिस्टोल जैसी प्रक्रियाओं के माध्यम से इसको वापस बाहर करना। ये इस ऑस्मो रेगुलेशन के प्रकरण में प्रोटोजोआ के अंतर्गत आता है। इससे ज़्यादा इस प्रोटोजोआ में और ऑस्मो रेगुलेशन में हम ज़्यादा नहीं समझ सकते, ठीक है ना। ये तुम्हारे आंसर के हिसाब से जितना आंसर बनता है उस हिसाब से इतना ही खूब, क्योंकि इससे ज़्यादा वो पूछेगा नहीं। दो नंबर का आंसर, एक पेज का आंसर आराम से इसमें हो सकता है। मैंने तुम्हें शॉर्ट में भी समझा दिया, मैंने तुम्हें विस्तृत रूप से भी इस चीज़ को बता दी है, ठीक। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट चैप्टर फिफ्थ डे में पढ़ेंगे स्टडी ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्रोटोजोआ, स्टडी ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्रोटोजोआ। ठीक है, रेगुलर पीडीएफ को नोट्स टाइप में और वीडियो को स्टडी टाइप में सुने, और इसके साथ ही व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हम जूलॉजी को लेकर वेबिनार भी करेंगे, तो वेबिनार के लिए जूम ऐप को इंस्टॉल करके और जूम पे मीटिंग को सुनना सीखें, समझें, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता। अपनी जो आईडी दी जाती है उस आईडी को डाल के पासवर्ड डालना होता है, बाकी मीटिंग को अटेंड करना होता है। धन्यवाद, थैंक यू।